गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम छठी से आठवीं क्लास की वर्कशीट नंबर 50 को सॉल्व करेंगे। ये मैथ की वर्कशीट है, तो सबसे पहले आप अपना नाम ऊपर लिखेंगे और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और आज का जो आपका टॉपिक है वो गुणनखंड है, गुणनखंड जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। अभी इंग्लिश वाले भी वर्कशीट, जो इंग्लिश के बच्चे हैं, अभी मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ आपको क्या सॉल्व करना है, आप उसे इंग्लिश में वहाँ से देख लेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड होता क्या है, हम इसको देखते हैं। तो एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है। जैसे कोई गुणनखंड वो संख्या है जो संख्या को पूरा विभाजित कर दे, जैसे मान लो 24 है, तो एक जो है 24 को पूरा विभाजित कर दे रहा, दो 24 को 12 बार जा रहा विभाजित कर दे रहा है, तीन 8 तरीक का 24, 8 3 जा 24, फिर 4 जो है विभाजित कर दे रहा 6 से, ऐसे 6 4 को। तो इस तरह से 24 के कई गुणनखंड होते हैं। कैसे, देखिए 1 2 3 4 6 8 12 और 24 खुद को खुद विभाजित, अगर हम 24 को बटे 24 करें तो 1 बार हासिल जाएगा। इस तरह से जो है एक बार में कटेगा तो इसका 24 भी हो जाएगा। इस तरह से 24 के इतने फैक्टर हो गए, यानी गुणनखंड हो गए। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे एक कक्षा अध्यापिका हैं, क्लास में 24 बच्चे हैं, तो वो बच्चों से कहती हैं कि आप ऐसी पंक्ति बनाओ कि हर पंक्ति में समान बच्चे हों। तो जैसे देखिए यहाँ 8 8 की पंक्ति के 3 बच्चे आ गए, ऐसे नीचे ये देखिए 12 12 हैं, ये 6 6 के 4 आ गए। तो ऐसे बच्चों ने एक पंक्ति में 24 बिठाया, फिर दो पंक्ति में 12 बिठा दिए, 3 में 8, 4 में 6, 6 में 4, 12 में 2, इस तरह से पंक्ति बनाई। तो ऐसे गुणनखंड आप समझ लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी संख्या को पूरा विभाजित कर दे। अब आगे आपको क्या करना है, ये देखिए कि ये आइए कुछ और संख्या के गुणनखंड करें। अभी आपको संख्या दी जा रही है, हमें इनके गुणनखंड करने हैं। तो इनके गुणनखंड कैसे करने हैं, आपको 42 के करने हैं, 60 के करने हैं, 55 के करने हैं, 47 के और 98 के, इनको करिए। जैसे 42 का 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो 2 भी देखिए काट दे रहा है 42 को, 3 भी काट दे रहा है, 4 से कटेगा देखिए। तो इस तरह से आप इसको करते जाएंगे। इसके और क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं उसको हम नीचे एक हमने सॉल्व करके दिया है, यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। देखिए ये फैक्टर 42 के क्या क्या हो सकते हैं, इसे आप नोट करिए। 2 3 भी होगा, 6 7 14 21 42, ऐसे 60 के इतने होंगे, 55 के, 47 के और 98 के। तो इनके गुणनखंड मैंने बना रखे हैं, इसमें से और भी हो सकते हैं। आप उसको जो छठी से आठवीं के बच्चे हैं आप इनको देख के देखेंगे कि 47 को कौन कौन सी संख्या काट रही है, 147 तो काट ही रहा, हो सकता है और भी कोई काटे। तो आप इनको, ये आपके लिए थोड़ा मैंने थोड़ा दिमाग लगा दिया, लेकिन पूरा दिमाग आपको भी लगाना है। इसके अलावा यही काम आपको इंग्लिश की जो आपकी वर्कशीट है उसमें करना है। आपकी इंग्लिश की जो वर्कशीट है यहाँ है, यानी फैक्टर ये है, आपको इसे नोट कर लेना है। और इसके अलावा आपको इनके जो हमने गुणनखंड दिए हैं, फैक्टर दिए हैं, वो नोट करना है। थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको रोज़ नई नई वर्कशीट और इंग्लिश, सोशल स्टडी की, जीके की और भी जो वीडियोज होंगी वो हम अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।